तो हे गाइस, लिट्टी तो आप लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो खाया होगा, बट क्या आप लोगों ने 1.5 रुपए की लिट्टी खाई है अपने लाइफ में? कभी नहीं खाई है ना। तो गाइस, आज हम आ गए आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके जहाँ पे मिलती है मात्र 1.5 रुपए में लिट्टी। तो चलिए इनकी लिट्टी की मेकिंग देखते हैं और उसे टेस्ट करते गाइस। और मैं एक चीज़ बता दूँ गाइस कि इनके जो शॉप का नाम है वो भी काफ़ी अपने में काफ़ी यूनिक है। शॉप का जो नाम है वो है चीप एंड बेस्ट। मतलब इनके यहाँ का जो टाइटल है शॉप का वही बता रहा है कि चीप एंड बेस्ट, कम पैसों में अच्छा खाना खिलाया जाएगा उनके पास। तो चलिए इनके ओनर से भी बात करते हैं, कैसे आइडिया आया अंकल को ये शॉप खोलने का, और इनकी लिट्टी की मेकिंग देते हैं उसे टेस्ट करके बताते हैं कैसी है 1.5 रुपए की लिट्टी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीप एंड बेस्ट लिट्टी शॉप की ओनर है। ओनर है ना अंकल आप? क्या नाम है? राजकुमार। कितना पुराना शॉप है अंकल अपना? 40 साल। 40 साल हो गया है। तो ये देखिए यही है गाइस लिट्टी की लोई, देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी लोई है गाइस। इसमें जो सत्तू फील कर लिया गया है घर से ही, बस यहाँ पे एक काम रहता है जो है चापना। ये देखिए चापा जा रहा है इसे अच्छे से और पतला सा बना दिया जा रहा है। इसे जो ऑयल में फ्राई किया जाएगा। तो अब देखिए गाइस यहाँ हमारी लिट्टी जो है फ्राई होने के लिए आ गई है। ये देखिए ऑयल में कितना ज़बरदस्त लग रहा होगा, यह पूरे अच्छे तरीके से जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होगी। ये देखिए सारी लिट्टी जो है फूल चुकी है। सारी लिट्टी जो अच्छे से फूल जाएगी गाइस। तो ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है 1.5 रुपए में लिट्टी बेचने का यार, बहुत आपने शायद ही कहीं देखा होगा। तो ये देख सकते गाइस हमारी लिट्टी जो है गोल्डन ब्राउन 50% से 50% to 60% जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। पूरा पूरा ना गोल्डन ब्राउन हो जाएगा भैया, जब लाल हो जाएगा उसके बाद ना निकालिएगा। जब तक ये पूरा अच्छे से पकेगा नहीं उसके बाद निकालेगा। ये फ्राई किसमें किया जाता है? तो गाइस यहाँ से जो लिट्टी फ्राई की जा रही है वो पूरा रिफाइन में किया जाता है, डालडा का यूज़ नहीं किया जाता। डालडा यूज़ नहीं करते ना, मैदा को जो मिक्स करने के लिए बस डालडा यूज़ किया जाता है गाइस। यहाँ पे जो फ्राई किया जाता है वो पूरा शुद्ध रिफाइन में किया जाता है। तो अब जो हमारी लिट्टी जो है पूरे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसका ये मतलब है कि अच्छे तरीके से लिट्टी जो है पूरे अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब जो खाने के लिए बिल्कुल ये रेडी है। तो ये देख सकते गाइस यहाँ जो एक भरा सा डेक में बनाया जाता है सब्जी। सब्जी जो है आधा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। ये देखिए चना का सब्जी रहता है भैया, काला चना। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे जो काला चना का सब्जी। 1.5 रुपए में लिट्टी बेचने का आइडिया कहाँ से आया? जो पहले जो बिक रहा था 2000 के पहले जी जी 30 पैसे था जी। 2000-2010 से 50 पैसे जी। 2010 से 2020 तक 1 रुपये चला जी। और उसका बाद जो इधर दाम बढ़ा ना तो 1.5 रुपये। अब 1.5 रुपये मतलब 50 पैसे से आप लिट्टी बेच रहे हैं? हाँ, 30 पैसे से। 30 पैसे से लिट्टी बेच रहे हैं। तो अंकल आइडिया कैसे आया कि इतना सस्ता लिट्टी बेचा जाए? ऐसा सोचा था कि कुछ काम करे कि इससे नाम भी हो जी जी और काम भी मिले। मतलब स्टूडेंट एरिया को लेके आपने ऐसा सोचा कि स्टूडेंट को दिक्कत भी ना हो? स्टूडेंट एरिया ना था, किसान एरिया था। किसान एरिया था हाँ, तो अब ना स्टूडेंट एरिया जी जी। ये मन में मेरा आया कि ऐसा कोई काम करे कि जिसमें ग्राहक के भी फायदा, लड़कन लोग के भी जी। अभी चाहे तो लेमू अभी तो गा रहे हैं ना भी गा रहे हैं जी जी जी। इसलिए कि लेमू अभी 14 रुपये 10 रुपये पीस के हिसाब से जी। बड़ा वाला लेमू जब भी काटते हैं जी। तो ये काम महीना नहीं चला, लेकिन एक बाद हमारा फेवरेट लेमू है जी। लेमू मतलब नींबू ही मेन टेस्ट लाता है हाँ, इतना ही। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ सिर्फ लिट्टी मिलता है। लिट्टी और कितने का प्लेट रहता है अंकल? एक पीस तो 1.5 रुपए का। प्लेट का क्या प्राइस रहता है? 15 रुपया जी। 15 रुपए में क्या सब आता है? 10 पीस लिट्टी और चना का सब्जी। चना की एक बारी दो बारी। और सप्ते में 7 दिन खुला रहता है अंकल? हाँ, सब दिन खुला हुआ रहता, पानी भी रखते रहता तो खुला हुआ मेरा लिट्टी के पास। देख सकते गाइस हमारी जो लिट्टी की प्लेट लगने लगी है। पहले डाला जा रहा है, पहले छोला डाल रहे हैं कल, छोला उसके बाद जाएगी हमारी लिट्टी। 30 रुपया 15 रुपए में कितना रहता है अंकल लिट्टी? 10 पीस 15 रुपए में 10 पीस लिट्टी आ रही है गाइस। उसके ऊपर से डाला गया प्याज, थोड़ा सा नींबू। कौन सा मसाला है? ये सब मसाला मिक्स रहता है, जलजीरा होगा जी जी, जीरा, चाट मसाला, काला नमक। तो फाइनली गाइस अब जो हमारी 1.5 रुपए वाली चीप एंड बेस्ट की लिट्टी लग चुकी है, आप देख सकते हैं गाइस 15 रुपए में हमें लगा, 15 रुपए की ये प्लेट है, इसमें 10 पीस लिट्टी आई है। ये देख सकते हैं लिट्टी के साथ मिला है हमें एक काला चना का छोला, ऊपर से प्याज, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये मिला एक ग्रीन चिली। तो चलिए इसे हम लोग जल्दी से टेस्ट करते और आप लोगों को बताते कि ये 1.5 रुपए की लिट्टी और बहुत ही फेमस है हमारे पूरे पटना में।
तो चलिए इसे हम लोग जल्दी से लेते हैं और टेस्ट करते हैं। यारी इस पे जो गैस नींबू डाला गया उसका जो खट्टेपन का जो टेस्ट आ रहा है जुबान पे बहुत ही लाजवाब, कहते क्रंची भी खास्तापन है लिट्टी में वो भी बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। और इसका जो छोले के साथ आप दिखा देखने कैमरामैन को बोलेंगे दिखाने के लिए, ये छोले के साथ जो कॉम्बिनेशन है लिट्टी का मत पूछो यार, बहुत ही जबरदस्त। देखिए पहले छोले में डिप करो इसे अच्छे से, उसके बाद लो छोला। और आपको ग्रीन चिली पसंद है, बहुत ही जबरदस्त रियली में ऐसा लग रहा है खाने के बाद इतना मजा आ रहा है। एक प्लेट कहाँ आप रुक, एक प्लेट में आप कहाँ रुकने वाले, एक प्लेट लेंगे फिर आपको मन करेगा दूसरी प्लेट भी खाने का। जैसे अंकल बता रहे थे कि हम नहीं हमारी लिट्टी पुकारेगी आपको, मतलब टेस्ट ऐसा है रियली यार। अगर आपको 1.5 रुपए में एक लिट्टी मिल रही है आप इससे सस्ता क्या होगा, और इससे बढ़िया मेरे समझ से कुछ नहीं होगा डील। मैं तो यही कहूँगा गाइस कि आप भी एक बार आके इनकी लिट्टी ट्राई करें, फिर हमें कमेंट करके बताइएगा यहाँ की लिट्टी कैसी लगी, बहुत ही लाजवाब। अंकल कोई आना चाहे तो एड्रेस बता दीजिए एक बार। मुसल्लापुर हाट जी, मुसल्लापुर हाट किराना दुकान के पास है, चीफ एंड बेस्ट लिट्टी दुकान राजकुमार। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जी, गर्मी के समय जी, ठंडा के समय में 7 बजे सुबह। हाँ सुबह से जी, और 12 बजे दिन तक। हाँ 12 बजे दिन तक जी, गर्मी के समय में जी जी। शाम के है जो 5 बजे से लेकर 8-9 बजे रात, शाम में भी लिट्टी मिलता है, यही लिट्टी यही चीज सेम। ओह मतलब सेम चीज दो शिफ्ट में मिलता है, दो शिफ्ट। तो गाइस चलिए हम इसे जल्दी से फिनिश करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले गाइस। और यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके हमें फॉलो करें। तो देख सकते हैं गाइस एक भैया है जो यहाँ पे इनका लिट्टी इंजॉय कर रहे हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। और कब से खा रहे हैं यहाँ पे लिट्टी भैया? 50 पैसा यहाँ पे बिकता था तब से। तो गाइस भैया बता रहे हैं जो 50 पैसे यहाँ पे लिट्टी बिकता था तब से खा रहे हैं, अब तो इसका प्राइस 1.5 रुपए हो गया। कैसा लगता है यहाँ का लिट्टी भैया? लिट्टी खाने के बाद आप मतलब फर्स्ट आवर तक आप निश्चिंत, मतलब भूख नहीं लगेगा जी। तो गाइस ये बता रहे कि मतलब जो स्टूडेंट, ये एक तो मसलमपुर जो है स्टूडेंट एरिया है, बड़ी चीज है यहाँ, ये स्टूडेंट एरिया है, स्टूडेंट को चीप एंड वेस्ट में चीप करने वाला चीज चाहिए टेस्टी।